जैसे जैसे वर्ष 2022 आगामी विधानसभा चुनाव की नजदीकियां करीब आती जा रही हैं, वैसे वैसे अवैध असलाहों का प्रचलन कहीं न कहीं दिखना शुरू हो चुका है। इसी क्रम में जालौन जनपद के कदौरा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि कदौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बाइक पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा और उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया, जहां एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया तो वहीं एक अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के कब्जे से एक ब्लैक कलर का बैग बरामद किया है, जिसमें अवैध तमंचा और देसी हथगोले बरामद हुए हैं तथा एक बंदूक भी पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से बरामद की है। पूरी जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी जालौन के द्वारा मीडिया को बताया गया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इनका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी पुलिस द्वारा तेजी से तलाश की जा रही है। मामले में पुलिस अधिकारी के द्वारा बताया गया कि सराहनीय कार्य के लिए कार करने वाली पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। जालौन से संवाददाता अली जावेद की रिपोर्ट। हाथ लगी है, एक असलाह बरामद हुए, कुछ बम भी बताए जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, थाना कदौरा की पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो रात्रि के समय में एक मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार सिटी मोटरसाइकिल है, उससे दो व्यक्ति आ रहे थे और दूर से जब दिखाई दिया कि एक बाइक पे जो टंकी होती है, टंकी के पास में एक काला बैग रखा हुआ है। पुलिस ने जब उनको हाथ दिया रोकने के लिए, चेकिंग के लिए, तो उस समय बैग को फेंक कर ये लोग भागना चाहे, उस समय जो पीछे बैठा हुआ आदमी था वो तो पकड़ में आ गया, लेकिन आगे बैठा हुआ व्यक्ति किसी तरह भागने में सफल रहा है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका नाम सुनील बाथम है, ये रहने वाला थाना कुठौन क्षेत्र का है और इसके पास से बरामदगी में दो तमंचे, कुछ कारतूस और इसके कंधे पर लटका हुआ एक डबल बैरल 12 बोर की बंदूक है, वो बरामद हुई है। बैग में से दो हथगोले भी बरामद हुए हैं और जो फरार अभियुक्त है उसकी भी तलाश जारी है और जल्द ही उसको भी गिरफ्तारी कर अग्निविधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, दो देशी हथगोले पकड़े गए हैं और उसके लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी सूचना भेजी जा रही है और उसका निस्तारण कराया। सर, ये कहां सप्लाई करते थे, आगामी चुनाव को देखते हुए क्या ये जोड़ा जा सकता है? देखिए, ये जो अवैध असलहे हैं और जो हथगोले बरामद हुए हैं, इसका संभवतः प्रयोग किसी भी तरह के असामाजिक कार्य में, गतिविधि में, अपराध में किया जा सकता था, जिसको रोकने में थाना कदौरा की पुलिस ने सफलता हासिल की है और इस तरह से एक अच्छा अनुभव किया। सर, पुराने देखिए, ये सर फॉरेंसिक जांच का विषय है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो अग्रिम जांच में और विवेचना में प्रकाश में आएगा। जो भी आगे डिटेल होगी, जो प्रारंभिक थे उसकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी और बाकी जो भी डिटेल्स सामने आएंगी वो आप लोगों से शेयर दिए। सर, गुड वर्क करने वाली टीमों को ये नाम, इन सभी के लिए प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया।